भी कहाँ तक पहुंचे हम लोग? नजवा पहुंच गए हैं, वो एक हम लोगों की लेग्जिस पहुंच गई है। अब हम यहाँ पे, ये हम लोगों का मीटिंग पॉइंट है जो ड्राइव स्टार्ट करने लगे हम लोग उसके लिए। अभी हम यहाँ पे रुके करेंगे, गाड़ी डिफ्लेट, फ्लैग्स लगाएंगे, रेडियो सिंक करेंगे और फिर हम लोग आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। हम लोग दो और बंदों का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो अभी पहुंचेंगे इंशाल्लाह हम ड्राइव स्टार्ट। तो अहमद भाई का क्या सीन हुआ है? वो अहमद भाई की गाड़ी में कोई इशू हुआ है, वो अभी वापस जा रहे हैं, बट ही विल बी बैक सून। ही विल जस्ट चेंज द कार एंड ही विल बी बैक सून। चलो डन है इंशाल्लाह। हम लोग मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं, यहाँ पे गाड़ियां प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लोग अंदर जाने के लिए तैयारी करने लगे हैं। कुछ गेस्ट भी आ गए हैं जिन्होंने हमारे साथ जाना है। सेफ्टी एंड रिकवरी ऑलवेज फर्स्ट। फ्लैग्स, ये फ्लैग्स लगने लगे हैं जी, जरूरी है सबसे पहले, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ डेजर्ट इन अ कॉन्वे। सही है, क्योंकि ये यूज होता है कॉन्वे की नॉमिनेशन के लिए। जो आपके साथ लोग हैं, जो पीछे आपको जो फॉलो कर रहे हैं, आपकी पोजीशन मार्किंग के लिए फ्लैग इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच यू नीड टू कैरी विद यू। सही है। अच्छा, इसका प्रॉपरली कोई क्लिप होता है? ये पूरी माउंट्स बनी हुई है। सही, लॉक भी कर दिया आपने साथ। ये लॉक हो जाते हैं क्योंकि जब भी कोई ड्राइविंग स्टार्ट करता है डेजर्ट के अंदर, कुछ चीजें हैं जो बहुत कंपलसरी है, उसमें फ्लैग मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि आप ड्यून्स के ऊपर नीचे जा रहे हो, आपको नहीं पता होता दूसरी साइड पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सो फ्लैग्स ही हेल्पफुल होते हैं जो आपको बताते हैं अगली गाड़ी की लोकेशन। मैं बल्कि यहाँ पे एडिशनली ऐड भी करते चलूँ, लास्ट मेरे ख्याल से इसी साल हुआ है आप लोगों की एक गाड़ी आगे थी, फ्लैग नहीं था, पता नहीं लगा दूसरी गाड़ी पीछे से उस गाड़ी के ऊपर आकर टच की है, हिट हुआ। तो बल्कि मैं यहाँ पे वो क्लिप भी चला रहा हूँ, वो चेक करें। ये ड्यून बैशिंग करते हुए एक एफजे उलट गया। यार उस गाड़ी को गलत डाल के थोड़ा उस तरफ करें ना। हाँ तो शैम्बू क्या हुआ था जरा बताएं ना। इट वाज अ स्मॉल एक्सीडेंट। द थिंग इज दिस कि जो आगे वाला ड्राइवर था उसको डिफिकल्टी हुई ड्यून की दूसरी साइड पे। उसकी गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी पोजीशन पे थी, उसका फ्लैग नहीं था, ठीक है। तो जो गाड़ी पीछे से उसको फॉलो कर रही थी उसको अंदाजा नहीं हुआ कि वो गाड़ी बिल्कुल ड्यून के साथ ही स्टक हुई हुई आगे है। स्टक हुई स्टक है। सो एज सून एज पीछे वाली गाड़ी ने जंप किया उसके ऊपर हिट ऑन द सेंटर। सही। सो रिकवरी वगैरह हो गई थी? वो रिकवरी वगैरह एवरीथिंग। मैंने सुना बड़ी अहमद भाई ने बड़ी रिवर्स के अंदर रिकवरी की है। इट वाज अ वेरी सेफ बिकॉज हम लोगों का जैसे गाड़ी आपस में लगी थी, एक गाड़ी से धुआं निकल रहा था, सो वी थॉट रेदर देन सॉरी लेटर ऑन वी शुड सेव एंड वी डिड सेव इट। सो अब मजे की चीज दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन हम लोगों की होती है डेजर्ट में जाने से पहले है वो हमारे टायर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ठीक है। दो तीन चीजें यूज होती हैं आम गाड़ियों के अंदर, आप लोग को लुपियां खोलनी पड़ती हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। देयर इज अ सिस्टम कॉल्ड एपेक्स। ठीक है। सो ये वॉल्व्स हैं जो इंस्टेंट डिफ्लेट करते हैं। ओके। मतलब जस्ट आप इसे चेक कर लें, सो दे कैन एक्चुअली डिफ्लेट फ्रॉम 35 psi टू 13 इन लेस देन 6-7 सेकंड्स। क्या बात है, मतलब ये तो बहुत इफेक्टिव है। वेरी गुड। सो आई एम डन विद वन टायर। सो जहां पे बाकी गाड़ियों को एक ही मिनट दो दो मिनट लगता है आराम से पकड़ के रखना पड़ता है 10 seconds। ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डेजर्ट के अंदर टाइम बचाती हैं, टाइम बचाती है, क्योंकि किसका दिल करता है धूप में खड़ा हो। बिल्कुल। आज तो मतलब सरप्राइजिंगली इतनी तेज धूप है, इतनी तेज धूप है कि आज मौसम क्लियर है और जैसे जैसे शाम ढलेगी ये ठंडा। अच्छा ये है क्या बेसिकली? इट्स अ वॉल्व सिस्टम। आप उसको रेड वाले को आप आगे करते हैं पुल एंड पुश। ओके, सही सही सही। आप जब बाकी वॉल्व जोन से होते हैं सो द मैकेनिज्म इज सिंपल। बाकी गाड़ी को जितने वॉल्व जब आप उनको ऊपर से ओपन करते हो आपको प्रेस करना पड़ता है पिन को। अब खोलते हो जिस गुलाम भाई गुलाम में खोल रहे हैं इस टाइम पे, आपको खोलना पड़ता है और उसके अंदर सिर्फ एक सुराख होता है। इन दिस सिचुएशन जब इसको पुल कर रहे हो इसकी चारों साइडों के अंदर 4-5 सुराख है। अच्छा, तो अच्छा, हवा अच्छा, जल्दी अच्छा, से तेज अच्छा, निकलती है इसके ऊपर से। ठीक 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 ठीक। और इसके साथ साथ
ये हमारी सेकंड प्रिपरेशन है। बिल्कुल ठीक है। और बीट लॉक का भी बताएं, बल्कि ये भी बीट लॉक तो नहीं ये है? ये बीट लॉक नहीं है, ये नॉन बीट लॉक है। आई गिव यू अ इंट्रोडक्शन टू बीट लॉक एंड नॉन बीट लॉक। बीट लॉक बेसिकली, जहाँ तक फोर्स इंट्रोडक्शन में वो बता सकूँ कि वो टायर को ग्रिप कर लेते हैं, हम उसको ये जो आपके जो पूरे प्रॉपर नट्स लगे हैं नट के अंदर आप उसको टाइट कर लेते हो, वो पॉप आउट नहीं हो सकता। टुंड्रा गॉट बीट लॉक, हाँ टुंड्रा में है। सो ये नॉन बीट लॉक मेथड रिम्स है। यूजली क्या होता है कि जब हम लोग साइड स्लोपिंग कर रहे होते हैं, आपने उस दिन भी देखा जब हम गाड़ियां वहां पे डोनट्स कर रहे थे, तो वो टायर रिम जो है वो बाहर की तरफ आने लग पड़ता है। यूजली साइड स्लोपिंग पे भी यही होता है। तो दूसरा ये होता है कि उसमें पॉप आउट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसी है, यहाँ तो आपके टायर का प्रेशर ज़्यादा हो जो हम रख नहीं सकते। दूसरा सोल्यूशन होता है बीट लॉक रिम, उसमें ये वाली जो होती है इट्स नॉट अ फिक्स वन, ये पतरी होती है पूरी। सो व्हाट दे डू, जो टायर का कॉर्नर होता है ना रिम और पतरी, वो इसको इस तरह करके ऊपर नट अप टाइट कर लेते, टाइट कर लेते। उसमें ये होता है कि आप इवन यू कैन गो डाउन टू 5 PSI 6 PSI। अच्छा, वी आर गोइंग डाउन टू 10 PSI राइट नाउ। सो इन दैट कंडीशन यू कैन इवन गो डाउन टू 6 and 5 PSI, तो व्हिच इज वेरी ओके। जितनी मिनिमम PSI होंगी तो कहां तक हम कर सकते हैं? देखो सेफली हम सारी गाड़ियां डेजर्ट के अंदर ये नहीं कि 6 या 5 PSI पे चलाते हैं। 10 PSI इज एन आइडियल एंड इट डिपेंड्स टायर टू टायर एंड कार टू कार। सही बोले सर, ये अच्छा, रिकवरी के लिए भी एक टायर आप लोग हमेशा साथ लेके चलते हैं, जिस तरह ये टायर है यूजली हर गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर होना चाहिए। खुदा ना खास आपका टायर फट जाता है, फिक्स नहीं हो सकता, ये कुछ होता है, हमारे पास 500 टायर रिकवरी के लिए होना चाहिए। सिंपल इज दैट। इसके साथ और क्या क्या डूज और डोंट्स है? टूल्स वगैरह में देखो, हर जो भी ऑफ रोडर है नया पुराना, कुछ चीजें हैं वो उनको रखनी पड़ती हैं। अ गुड कनेटिक रोप, शैकल्स, अ शवल, ये वो बेसिक इक्विपमेंट है जो आपकी हर ड्राइव में यूज होता है कहीं ना कहीं। इट डजंट मैटर हाउ सीनियर एंड द एक्सपीरियंस ड्राइवर यू आर, यू कैन ऑलवेज गेट स्टक। सो यू आल्सो नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट इन योर स्टफ। Other than that, one of the most useful thing which we used in last couple of months was a winch. हाँ, winch का भी एक बहुत important I have this winch from Vaughan which we used. Unfortunately, right now this winch is not working. We had to get it fixed. We got a lot of cars out with this one. Very helpful, expensive, but worth it. Believe me, it's worth it. So we are ready to ready go. To go. We are ready to go. अब आगे जो है वो हम लोगों के एडॉन्स है। सही है, सिंपल सारे। अब हम वॉकीज पकड़ रहे हैं, वॉकीज पूरे टीम मेंबर्स को दे रहे हैं। अच्छा, नहीं, हर टीम मेंबर की वॉकी टॉकीज उनके पास है। अच्छा, हमारे आपके पास तीन तीन है माशाल्लाह। मैंने एक्स्ट्रा रखी होती है गाड़ी के अंदर, किसी को जो पड़ जाती है। अभी हम लोगों को कैमरे लगाने की जरूरत अभी नहीं है, हम आगे जाके लगाएंगे।